नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट 11 दिसंबर को अब तक 1,00,000 से ज़्यादा आवेदन, ये जो बुलेटिन है आप देख पा रहे हैं। आज ही का प्रभात खबर आपका 26 अक्टूबर का है, आज का दिन। तो इसमें आप लोगों को जो TET तैयारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें कितने लोग आवेदन कर चुके हैं और भी सारे थोड़ा जानकारी जो दी गई है उसके संबंध में समझा कि आपको देना जरूरी बन रहा है, तो इसलिए मैं आपके समक्ष, यह पेपर का कटिंग है, मैं आपके समक्ष इसे पढ़ कर सुनाता हूँ। क्या है इसमें, कोलकाता गत 14 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड WBBPE का पोर्टल खुलने के बाद 11 दिसंबर में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के लिए 1,00,000 से अधिक आवेदन आए हैं। अभी तक 1,00,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदन पत्र 3 नवंबर तक जमा होंगे। बोर्ड के तीसरे TET के लिए और आवेदन मिलने की उम्मीद है। ध्यान रहे कि वर्ष 2014 व 2017 के बाद यह पहला TET होगा। हाल में स्टेट SSC के जरिए भर्ती घोटालों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के साथ प्राथमिक बोर्ड के लिए TET कराना बड़ी चुनौती होगी। मालूम रहे कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 4 तक में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अंतिम विज्ञापन वर्ष 2017 में जारी हुआ था। ऐसे में करीब 5 साल बाद 11 दिसंबर को TET होने जा रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी को 3 नवंबर तक करीब 2,00,000 आवेदन मिलने की उम्मीद है। कितना, 2,00,000 तक। अतीत से सबक लेते हुए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड इस बार सुरक्षा के लिए निजी एजेंसी को हायर करेगा ताकि TET के दौरान अव्यवस्था को लेकर सवाल ना उठे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के कामकाज पर कलकत्ता हाई कोर्ट की भी नज़र रहेगी, इसलिए बोर्ड के अधिकारी 2 या 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं। मतलब तीनों तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, हाई कोर्ट के जरिए, प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा और खुद के द्वारा। हालिया नोटिस में उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा प्रक्रिया की मजबूती के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करना चाहता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई प्रणालियां लागू की जाएगी। परीक्षा को त्रुटि मुक्त करने के विशेष इंतजाम के लिए किए जा रहे हैं। नई प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी। जैसे देश भर की विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होती है, परीक्षा केंद्र पर मूर्त स्थापन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होगा। परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरा लगाने पर भी विचार हो रहा है। इस बार जो TET वेस्ट बंगाल की तरफ से 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, तो उसमें नया आपको देखने को मिलेगा, बायोमेट्रिक के साथ CCTV कैमरा की भी व्यवस्था रहेगी। किसी भी तरह का इस बार बोर्ड नहीं चाहता है कि कोई त्रुटियाँ हो, जिससे कि फिर हाई कोर्ट में चक्कर लगाना पड़े अभ्यर्थियों को। तो पिछले 2014-2017 के बाद जो TET होने जा रही है 2022 में, इस बार काफ़ी अच्छा सख्ती तरीक़ा से, किसी प्रकार का कोई गलती ना हो पाए, अच्छी व्यवस्था के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की व्यवस्था बोर्ड कर रही है। और काफ़ी अच्छा इस बार का क्वेश्चन पैटर्न भी बन सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों को कड़ी निगरानी के साथ देखा जा रहा है।
ये आप लोगों के समक्ष रखना था कि इस बार के TET में आप लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ CCTV कैमरा भी रहेगी और जो भी शक्ति जितनी सुरक्षा तरीका से हो सके वो आजमाया जाएगा। आप लोगों को मैंने यह चीज़ अवगत कराया ताकि आप लोग भी इन सब चीज़ों से जानकार प्राप्त करके रखें और अपना एग्ज़ाम 11 दिसंबर को बेहतर तरीका से दें। अच्छा लगा हो यह जानकारी तो जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।